हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है। देखो, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा जो मैं आपको बता चुकी हूँ, प्राइमरी सोर्स के अंदर क्या होता है कि हम डाटा जो है खुद कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी सोर्स के अंदर क्या होता है कि जो किसी और ने डाटा कलेक्ट किया है उसको हम यूज़ करते हैं। जब वो हमारे हाथ में आ जाता है तो वो सेकेंडरी डाटा बन जाता है। देखो, सेकेंडरी डाटा का मतलब होता है द डाटा डैट वॉज कलेक्टेड बाय समवन अदर दैन द यूज़र। ठीक है, जिस जो यूज़र के अलावा जो उस डाटा को यूज़ कर रहा है उसको हम कह देते हैं सेकेंडरी डाटा। कॉमन सोर्स जो होते हैं सेकेंडरी डाटा के, जैसे सोशल साइंसेस के अंदर जो रिसर्च होती है, कई बार सेंसस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो हैं जो रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस के रिकॉर्ड्स होते हैं। देखो, यहाँ पे जब हम सेकेंडरी सोर्स की बात करते हैं तो डाटा जो है किसी और ने कलेक्ट किया है, उस डाटे को जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे हाथ में आके सेकेंडरी सोर्स बन जाता है। देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा जो होता है उसमें डिग्री का डिफरेंस होता है। जो मैं अगर मान लो मैंने डाटा कलेक्ट किया है तो मैं जब यूज़ कर रही हूँ तो वो प्राइमरी है, बट जब कोई और मेरी उस डाटा को यूज़ करता है तो वो उसके हाथ में जाके सेकेंडरी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम सेकेंडरी डाटा को यूज़ करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखो, प्राइमरी के अंदर क्या होता है कि हमें डाटा खुद कलेक्ट करना पड़ता है और वो बहुत कॉस्टली भी पड़ता है, टाइम भी कंज्यूम होता है, खर्चीला भी होता है, क्योंकि हमें हर जगह जाके खुद डाटा जो है कलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जब हम सेकेंडरी डाटा से करते हैं तो ये इकोनॉमिकल भी होता है, हमारे एक्सपेंसेस और एफर्ट्स को भी रिड्यूस करता है और हमारा टाइम भी जो है वो भी सेव करता है। और देखो, यहाँ पे जब हम सेकेंडरी सोर्स को स्टडी करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमें प्राइमरी सोर्स से डाटा कलेक्ट करना है तो यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स से हमें क्या होती है, गाइडेंस मिल जाती है। तो वो हमें जो सेकेंडरी सोर्स होता है ये हमें बताता है कि जो प्रीवियस स्टडीज़ थी उनके अंदर गैप्स क्या थे, उन्होंने प्रॉब्लम्स क्या फेस की। तो जिसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो प्राइमरी डाटा कलेक्शन है ये ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। ये हमें हेल्प करता है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, ये हमें हेल्प भी करता है कि अगर हमने प्राइमरी डाटा से रिसर्च कलेक्ट करनी है तो किस तरह से हमने कलेक्ट करनी है, किस तरह से मतलब जो प्रॉब्लम सेकेंडरी सोर्स के अंदर आई वो हमारी स्टडी के अंदर नहीं होनी चाहिए। और देखो, यहाँ पे जब हम सेकेंडरी डाटा से जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें गैप्स एंड प्रॉब्लम्स के बारे में भी पता चलता है, और जो हम प्राइमरी सोर्स के साथ मतलब सेकेंडरी डाटा के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारे पास कई लोगों की रिसर्च होती है, हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा डाटा जो है हमारे लिए यूज़फुल है। अब देखो, इसकी लिमिटेशन क्या है। देखो, जो सेकेंडरी डाटा होता है ये किसी और ने अपनी रिसर्च के लिए कलेक्ट किया होता है, तो क्या वो डाटा जो है हमारे रिसर्च के लिए सूटेबल है या नहीं है, क्या उसके अंदर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सेम है या डिफरेंट है। देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ लोग जैसे मान लो इनकम के ऊपर है तो ग्रॉस इनकम ली है, कुछ लोगों ने इनकम को डिस्पोजेबल इनकम के अंदर लिया है, तो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो है कई बार डिफरेंट होता है। कई बार क्या होता है कि डाटा क्लास जिनसे हमने डाटा कलेक्ट करना है उनका जो सेग्रीगेशन है, क्लासिफिकेशन है, वो डिफरेंट हो सकता है। और कई बार जो डाटा सेकेंडरी डाटा होता है रिसेंट नहीं होता, पुराना होता है। और कई बार क्या होता है कि हमें उस किस बंदे ने वो कलेक्ट किया है, एक्यूरेसी क्या है, रिलायबल सोर्स क्या है, कई बार डाटा जो है पुराना होता है, आज की डेट में उसकी रेलेवेंस नहीं होती, तो ये सेकेंडरी सोर्स से लिमिटेशन है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द सेकेंडरी डाटा। देखो, इंटरनल सोर्सेज भी होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर आ जाते हैं पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज। सबसे पहले हम देखते हैं पब्लिश सोर्स क्या है। देखो, जो पब्लिश सोर्स है, जो पब्लिश्ड है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपनी रिपोर्ट्स ऑफिशियली जब पब्लिश करती हैं तो लोग उनकी रिपोर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन का स्टेटिस्टिकल ऑफिस है, उस तरह जो इंडिया के अंदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द इंडियन यूनियन इकोनॉमिक सर्वे 2006 एंड 2007, और उसी तरह वेरियस कमेटीज़ की जो रिपोर्ट्स होती हैं, कमीशन्स की जो रिपोर्ट्स होती हैं।
अब देखो, जो सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशन होती है वेरियस लोकल बॉडीज़ की, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, और उसी तरह ऑटोनॉमस एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो हैं, जैसे ट्रेड एंड प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो अपना एक जर्नल इकोनॉमिक ट्रेंड पब्लिश करते हैं। उसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो कि अपना जर्नल जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट पब्लिश करते हैं। उसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है, वो अपना जर्नल फॉरेन ट्रेड। इसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स है, ये समय समय पर अपने जर्नल्स लाते रहते हैं। उसी तरह ही जैसे बहुत सारी एसोसिएशंस होती हैं, जैसे कोई टेक्सटाइल की एसोसिएशन है, कोई सीमेंट की एसोसिएशन है, तो ये भी समय समय पर क्या है कि अपने जर्नल्स लाती हैं। ये जर्नल एनुअल भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। और उसी तरह ही क्या है कि फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक जर्नल्स होते हैं, जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन है, इंडियन फिनांस है, और उसी तरह जॉइंट स्टॉक कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स हैं, और उसी तरह बहुत सारी ऑटोनॉमस जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो अपनी पब्लिकेशंस करते रहते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली है, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक पुणे है। उसी तरह क्या होता है कि जैसे रिसर्च स्कॉलर जो कि PhD वगैरह करते हैं, जब अपना थीसिस वगैरह सबमिट कराते हैं, उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो उनका जो थीसिस होता है वो शोध गंगा के ऊपर इंडिया के अंदर अपलोड हो जाता है। तो लोग जो है वहाँ से भी जो है जो थीसिस उन्होंने अपलोड किए हैं, तो वहाँ से भी जो डाटा जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अनपब्लिश सोर्स। अनपब्लिश सोर्स होता है कि रिकॉर्ड्स तो होते हैं लेकिन उनको प्रॉपरली पब्लिश नहीं किया जाता। यहाँ पे जैसे प्राइवेट बिजनेस हाउसेस कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, या जो PhD थीसिस जो पब्लिश नहीं किया गया, और जो गवर्नमेंट के और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू द इंटरनल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, फाइनल अकाउंट्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। अब हम देखते हैं कि इंटरनल सोर्सेज क्या थे। ये सारे एक्सटर्नल सोर्सेज थे। इंटरनल सोर्सेज का मतलब होता है कि जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। यहाँ पे कुछ देखो, कुछ रिकॉर्ड जो होते हैं रेडी टू यूज़ होते हैं, कुछ रिकॉर्ड से क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन लेके हमने प्रोसेसिंग करनी होती है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से अगर हमने उन्हीं फिगर्स को यूज़ करना है, फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी, तो हम कहते हैं कि ये रेडी टू यूज़ डेटा है। बट अगर उनसे लेके अगर हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, या फर्दर एनालिसिस के लिए कोई रिलेशन स्टडी करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि फर्दर प्रोसेसिंग करके हम उस डेटा को यूज़ करें हैं। बैलेंस शीट्स, उसी तरह अगर हमें सेल का डाटा चाहिए तो उनके सेल्स रिकॉर्ड जो होते हैं वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। स्टॉक के बारे में उनके इन्वेंट्री रिकॉर्ड से मिल जाती हैं। और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन ने कोई आगे कोई मार्केट रिसर्च स्टडी की होती है तो वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब देखो, जो सेकेंडरी डाटा है इसको बहुत ही सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि देखो जब हम सेकेंडरी सोर्स को यूज़ करते हैं तो हमें देखना चाहिए क्या ये डाटा रिलायबल है, क्या ये डाटा एक्यूरेट है, क्या ये डाटा हमारी स्टडी के साथ मैच करता है, क्या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया है उसकी एबिलिटी क्या है, क्या वो सही ढंग से डाटा कलेक्ट करती है, उसका मेथड ऑफ कलेक्शन क्या था, उसका मेथड ऑफ एनालिसिस क्या था, जिस वक्त उन्होंने डाटा कलेक्ट किया उस वक्त अजम्पशंस क्या थी, कंडीशंस क्या थी, और उनके यूनिट्स मेजरमेंट के क्या हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी क्या है, किस पर्पज़ के लिए उन्होंने डाटा जो है कलेक्ट किया है। तो देखो, यहाँ पे जब हम सेकेंडरी डाटा को यूज़ करते हैं तो हमने ये सारी चीज़ों को असेस करना होता है, उसके हिसाब से क्या होता है कि हमने सेकेंडरी सोर्स से जो डाटा हमारी स्टडी के साथ मैच करता है, रेलेवेंट है, उसी को हमने लेना होता है। देखो, जो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डाटा है ये दो हैं, सेंसस ऑफ इंडिया। ऐसे है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये 10 सालों के बाद जो है सेंसस जो है करती है, तो यहाँ पे डिसेनियल पब्लिकेशन होती है इसकी, और ये पब्लिकेशन जो है रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के द्वारा की जाती है, और ये जो होती है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होती है, और इसके अंदर स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन जो है साइज़, ग्रोथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, पॉपुलेशन की प्रोजेक्शन के बारे में, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, सेक्स कंपोजिशन के बारे में, और जो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर लिटरेसी पोजिशन होती है, रेशो होता है, उसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और सेकेंड जो है डैट इज़ द रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस।
देखो ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन के नीचे है और यहाँ पे ये रेगुलर बेसिस पे जो है सर्वे करती रहती है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती है जैसे लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग है, हाउसिंग कंडीशंस है, माइग्रेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन स्लम डेवलपर्स, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, कंज्यूमर का खर्चा कितना है और जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसके ऊपर ये डाटा जो है सर्वे जो है इसके ऊपर कर